गाइस हम पहुंच गए हैं और हमारी बोट इधर अभी चली गई। गाइस हाई टाइड है अभी गोराई बीच में, तो हमको यहाँ पार्क करना पड़ रहा है। बूट्स गीले हो गए गाइस, अबे पानी अंदर चला गया। तो गाइस जैकेट पहन लिया है, मस्त जैकेट है यार बेटी। तो चलते हैं स्टंट करने। तो रात में 2 बजे इतनी गर्मियों में मैं ऐसे रोबोट जैसा फील हो रहा है मुझे पूरा नीचे से ऊपर तक। ये राइनोक्स का राइडिंग जैकेट है, स्टेल्थ इवो, और ये सोलेस का कूल प्रो राइडिंग पैंट। पसीना आ रहा है। यहाँ कोई गोल वाला वो कांच वाला हेलमेट ना पहनाते, एस्ट्रोनॉमर लगूंगा मैं सीधा। मॉर्निंग में देखो कहीं जाते हैं तो ये पहनने की जरूरत पड़े तो इसलिए पहले पहन ली। इसमें चेस्ट प्रोटेक्टर भी है, फुल्ली लोडेड है ये, मतलब इसका फ्लैगशिप जैकेट है ये वाला, तो इसमें सारे प्रोटेक्टर्स है लेवल 2। गाइस बहुत गर्मी लग रही है, उतार देता हूँ अब मैं, चलो गुड नाइट बाय। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गोराई बीच, वहाँ पर थोड़ा स्टंट का प्रैक्टिस करना मुझे, और मुझे नहीं पता अभी कैसा होगा वहाँ पे। तो सब गियर्स पहन के जाएंगे, गर्मी बहुत है, पसीना पसीना हो जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम एनर्जी का व्यवस्था करके जाते हैं बॉडी के लिए। अभी कोल्ड कॉफी बन रही है और हमारी कॉफी देखो मस्त वाली एकदम ब्लैक रोस्ट। प्रियंका मैडम बना रही है कॉफी सबसे पहले। अभी बंद करो, अभी ये कोई फूड ब्लॉग नहीं है, तो कॉफी पी के चलते गाइस। बाय बाय बाय। ये रेसिपी बताने लग जाती है, आदत से मजबूर हूँ। ओ वाह, ये क्या ये क्या ये बर्फ ही बर्फ। अब हम डालेंगे इसमें दूध, बर्फ में दूध। तो डार्क कॉफी पीते हैं गाइस हम, और फिर चलते हैं स्टंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस चलो फटाफट यार, हमको जाना है तो जल्दी करो ना। अच्छा है तो हाँ गाइस मजा आ गया, गर्मी में कोल्ड कॉफी पीने का अलग ही मजा है। गाइस हम पहुंच गए हैं और हमारी बोट इधर अभी चली गई, जस्ट अभी हमारे सामने से थोड़े से के लिए रह गए। 15 मिनट अब वेस्ट होंगे हमारे फोकट में, 2 मिनट पहले आए थे तो बोट मिल जाती हमको, बट ठीक है कोई बात। तो अभी जस्ट बोट चलिए। था रास्ता बोट का, तो वहां से आए अभी और सीधा इधर इस तरफ। पुल नहीं बनाते लेकिन ये लोग बोट में तैरा रहे सबको इतने सालों से। अभी बनने का चल रहा है क्या? क्यों प्रियंका मैडम नहीं चल रहा है? बोट अच्छी लगती है इनको, कमाई होती है इनकी यार। अभी इधर रुपए देना होते हैं। तो अभी क्रॉस कर लिया है खाड़ी को और अब हम जा रहे हैं गोराई बीच, तो वहां जाके स्टंट का प्रैक्टिस करेंगे। और राइडिंग जैकेट लाया हूं मैं फॉर सेफ्टी, तो वो वहां जाकर ही पहनते हैं। पार्किंग तो यार है यहाँ पे 20 रुपए। गाइस हाई टाइड है अभी गोराई बीच में, तो हमको यहाँ पार्क करना पड़ रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर, और चार्जेस है 20 रुपए, वो तो ठीक है, बट स्टंट करने को नहीं मिलेगा यार। क्या किस्मत है सच में, क्या करें, अब आए हैं तो घूमेंगे तो ना, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले ही है। गाइस यहाँ तो हाई टाइड हो रखी है यार, मैंने सोचा था स्टंट प्रैक्टिस करूंगा, आज का दिन भी बर्बाद हो गया। कीचड़ कीचड़ हो रखा है पूरा इधर से, और मेरे को गोला खाना था यार। गोला है तो गाइस पानी तो एकदम एंड पे है अभी, और ये पानी उतर रहा है अभी, तो आई थिंक वेट कर सकते हैं आधे घंटे बाद थोड़ा हो जाएगा, तो उस तरफ जाएंगे आगे, तो वहाँ पर सूखी जमीन रहती है थोड़ी, याद है मुझे। हाँ काला खट्टा, एक काला खट्टा, और यहाँ पे स्पीड बोट और सब कुछ है यहाँ पे देखो। गाइस लड़कियों का फेवरेट काला खट्टा। मैं भी खाएगा काला खट्टा, तो मेरे को भी दो, मजा आ गया। गाइस अब हाई टाइड खत्म हो रहा है, तो लेके जाता हूँ मैं बाइक को नीचे, लहरों में ही चलाएंगे अब, क्योंकि ये जमीन सूखी नहीं रही, तो अब पता नहीं स्टंट हो पाएंगे कि नहीं। ये ऑफ रोडिंग तो हो नहीं पाई, लेकिन हम समंदर में राइडिंग कर रहे हैं। लहरों में
में चलाने का मजा भी अलग ही है। बूट गीले हो जाएंगे। ओए ओए अबे ओए ओए बूट गीले हो गए गाइस। अबे पानी अंदर चला गया। हाँ मेरे लेफ्ट वाला बूट के पानी अंदर चला गया। हाँ ये ट्रैकिंग शूज है हमारी, हिमालयन पानी में खड़ी है। सो गाइस ऑफ रोडिंग तो नहीं हो पाया, लेट्स होप कि मैं स्टंट प्रैक्टिस कर सकूं। बट सन सेट हो रहा है तो अंधेरा भी अब जल्दी होने वाला है। बाइक धस रही है और गिर रही है तो ज़्यादा देर नहीं रख सकते ऐसे। प्रियंका मैडम तो वहाँ चली गई बढ़िया एंजॉय करने के लिए। मैंने यहाँ पहन के रखे राइडिंग बूट्स तो मैं जा नहीं सकता उतार के, पैर खराब हो जाएंगे फिर अंदर से शूज भी खराब हो जाएंगे। तो आई थिंक ये दिन बर्बाद हो गया हमारा, स्टंट नहीं कर पाएंगे शायद, सब गीली है सैंड पूरी। सो गाइस पार्किंग से जब बीच पे मैं ला रहा था ना बाइक, तो लोग चार पांच लोगों ने मतलब बोला अरे हिमालयन, अरे हिमालयन, अरे अरे बहुत पॉपुलर बाइक है यार अपनी। मतलब रेयर है, ज्यादा कोई खरीदता नहीं है और रेयर के साथ ही साथ पॉपुलर भी है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है लेकिन फिर भी पॉपुलर है। तो कम लोग खरीदते हैं इसलिए रेयर है और उसका क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इम्पोर्टेंस या वैल्यू ज्यादा है लोगों के मन में। गाइस जस्ट लुक एट दिस, दिस इज हेवन। वाओ मस्त है यार पीछे का। गाइज आपको पता हो स्टंट करने के लिए कोई अच्छी जगह जहाँ मतलब ग्रेवल हो, रोड नहीं हो, कच्चा हो, रास्ता पूरा ग्राउंड एकदम प्लेन, तो बताना मेरे को जहाँ पे हिमालयन ले जाए और कोई रोक टोक ना हो, ऐसा कुछ हो तो कमेंट में बताना मुझे। तो चले चलो लेट्स गो। सो गाइज अंधेरा हो गया लेकिन इधर एक स्पॉट मिला है छोटा सा, तो मैं स्लाइड्स तो नहीं कर पाऊंगा बट विली प्रैक्टिस करता हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं, पहला दिन है, आई डोंट नो। तो हमारा ये रायनॉक्स का जैकेट पहन लेता हूँ मैं फॉर सेफ्टी, बहुत भारी है ये और गर्म भी है यार। तो गाइस जैकेट पहन लिया है, मस्त जैकेट है यार बेटी। तो चलते हैं स्टंट करने। सो गाइस आज तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया और मिट्टी भी गीली थी और स्पीड में ही नहीं आ रही थी मिट्टी गीली के कारण, क्योंकि सैंड है ना धस रहे टायर उसमें थोड़े थोड़े। बट थोड़ी प्रैक्टिस की मैंने, घर जाके थोड़ा और वीडियोस देखेंगे और प्रैक्टिस करूँगा, एक दिन विली करना है मुझे तो वो करके रहूँगा। तो अब चलते हैं फटाफट घर, इस व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़रूरत है अभी सब्सक्राइबर्स की और लाइक्स की, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।